बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी दोस्त अरिमा जलानी। वेलकम है आप सबका मामाज़ किचन में। और आज की हमारी रेसिपी का नाम है चिकन स्ट्रिप्स। ये बहुत ही इजी रेसिपी है और इंग्रेडिएंट्स इसमें आपको दिख ही रहे होंगे कि कितने कम इंग्रेडिएंट्स हैं। और ये यकीन करें आप लोग, बहुत ही टेस्टी बनती है। सिर्फ इसमें मैरिनेशन का जो हम टाइम रख देते हैं उसको फ्रिज में, उसका टाइम लगता है, वरना ये बहुत ही क्विक रेसिपी है। तो अपनी वीडियो की तरफ जाने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक किया करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और मुझे फीडबैक दिया करें। अब हम चलते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। ये मैंने चिकन इस तरह स्ट्रिप्स की शेप में कट करवा ली थी, और किसी भी आप लोग जहाँ से भी चिकन लेते हैं वहाँ से आप लोग इस तरह स्ट्रिप्स की शेप में इसको कट करवा लें। उसके बाद ये हाफ के जी चिकन है। उसके बाद ये स्पाइसेस में ब्लैक पेपर, काली मिर्च हाफ टी स्पून है, रेड चिली पाउडर, लाल कुटी हुई मिर्च ये भी हाफ टी स्पून है, जीनोमोटो चाइनीज सॉल्ट ये भी हाफ टी स्पून, और सॉल्ट नमक 1 टीस्पून। उसके बाद मैदा 2 टेबलस्पून और कॉर्नफ्लोर 1 टेबलस्पून, 1 एग, चिली सॉस 1 टेबलस्पून, सिरका विनेगर 2 टेबलस्पून। उसके बाद ये मैंने क्या कहते हैं, 2 लहसुन के जवे ले लिए थे और 2 ही ग्रीन चिलीज ले ली थी, 2 हरी मिर्च, और उनको मैंने थोड़ा सा सिर्फ पानी डाल के ग्राइंडर में उसको मैंने ग्राइंड कर लिया था, उसको ये शेक कर लिया था। तो इस तरह का ये चटनी टाइप का इस तरह की क्या आपका रेडी हो जाएगा। ये हो गए हमारे सारे स्पाइसेस। अब हम चलते हैं अपने चिकन की मैरिनेशन की तरफ। अब ये देखते हैं, अब इसमें हम सारी मैरिनेशन कर देते हैं, अपने सारे स्पाइसेस ऐड कर देते हैं इसमें। ये सारे स्पाइसेस मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। नमक है इसमें, काली मिर्च है, चिली फ्लेक्स है, वो सब मैंने इसमें ऐड कर दिया, चिली सॉस, विनेगर, ये जो हमने सॉस तैयार की थी वो, मैदा, कॉर्नफ्लोर ये इसमें ऐड कर दें। अब इसको आप लोग अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये आप लोग ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा, ये एक बहुत ही अच्छी रेसिपी है। घर में मेहमान आ जाए बहुत पसंद आती है ये बना के। फ्रीज भी आप लोग कर सकते हैं, फ्रिज में इसको रख सकते हैं, कोई मेहमान आया आप लोगों ने फ़ौरन से फ्राई कर ली, तो इतनी टेस्टी रेसिपी और इतनी ये लिक्विडी जूसी ये बनती हैं चिकन स्ट्रिप्स, और बहुत ही इसका अच्छा टेस्ट होता है, ये आप देख सकते हैं। अच्छा जी, इस तरह ये सारे मैंने चीज़ें डाल के इसको मैरिनेशन अपनी कर लिया, लेकिन ये एक चीज़ रह गई है, ये एग, ये मैंने फेंट लिया है। अब आपने एग जब डालना है तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका ना तो ये चिकन बहुत ज़्यादा लिक्विडी हो जाए और ना ही बहुत ज़्यादा इस तरह स्टिकी हो, तो इसलिए आप इसमें पहले डाल के देखिएगा। पहले मैं हाफ एग डालूँगी, फिर मैं देखूँगी, अगर आप लोगों को और ज़्यादा इसकी ज़रूरत लगे तो फिर आप लोग और डाल लें। ये देखिए, ना तो ये बहुत ज़्यादा लिक्विडी है और ना ही ये बहुत ज़्यादा स्टिक है, बिल्कुल सही है इसका ये मिक्सचर, ये मैरिनेशन बिल्कुल सही है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए बिल्कुल सही, परफेक्ट इस तरह से। अभी आप देख लें हमारे इसकी मैरिनेशन हो गई है, इसको हमने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं, वो एग हाफ ही इनफ है। अगर तो आपका 1 केजी है जैसे चिकन, तो फिर आप उसमें फुल एग डाल दें, मेरा हाफ केजी था ये, तो ये हाफ एग इनफ है। आप देख सकते हैं इस तरह का आप लोगों का मैरिनेशन ये तैयार हो जाएगा। अब मैं इसको रख देती हूँ फ्रिज में 1.5-2 घंटे के लिए, ताकि इसमें सही से ये जूसी बने और इसमें सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो इसमें अब्जर्व हो जाएं। तो अब इसके बाद मैं इसको रख देती हूँ, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को फ्राई करके दिखाऊंगी।
ये देख लें 1.5-2 घंटे हो गए हैं, मैंने फ्रिज से निकाल लिया है। ये इस तरह का इसका बैटर तैयार हो गया है। अब हम आप ऑयल देख लें, मैंने कढ़ाई में ऑयल पहले से ही गरम कर लिया था। अब ये मीडियम फ्लेम पे ऑयल है और मैं इसके अंदर ये चिकन अपने डाल देती हूँ, चिकन स्ट्रिप्स। इसी तरह आपने सारे डाल देने हैं और अपने सारे कुक कर लेने हैं। इसके ऊपर कोई क्रम्स नहीं लगते, कोई इस पर और कोटिंग नहीं होती। ये बहुत ही इजी रेसिपी है और ये इतनी टेस्टी बनती है ना, आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। ये देखिए, ये अभी मैंने डाल दिए हैं और मेरी आंच भी, ये फ्लेम भी मेरी मीडियम है और इसको ज़्यादा छेड़ना नहीं है और इसका बहुत डार्क कलर नहीं होना चाहिए, थोड़ा लाइट सा कलर होगा और अंदर से जब कुक हो जाएंगे तो मैं उतार लूँगी। ये अब आप देखें, अब मैं इसकी मैंने चेंज कर लिया इनको। ये आप देखें, बहुत इसको हिलाना नहीं है और बहुत ज़्यादा भी इसको देर तक आप लोगों ने कुक नहीं करना। इसका कलर बिल्कुल लाइट सा होना चाहिए। अभी ये मेरी मीडियम ही है फ्लेम, तो अभी जब ये अंदर से कुक हो जाएंगी जैसे ही तो हम निकाल लेंगे। बहुत डार्क नहीं करना कलर इनका। अब ये देख लें इसका कलर आप, कि कितना अच्छा कलर आया, बहुत डार्क भी नहीं है, बहुत लाइट भी नहीं है। अब हम इनको डिश आउट कर लेते हैं। ये अंदर से बिल्कुल कुक हो चुके हैं क्योंकि बहुत ही पतली स्ट्रिप्स हैं, तो जल्दी कुक भी हो जाएंगी, कलर भी इनका अच्छा आ जाएगा। बहुत डार्क आप लोगों ने नहीं करना, पहले भी मैं आप लोगों को कह चुकी हूँ। तो इसी तरह आप लोगों ने सारी बना लेनी है और फिर उनको डिश आउट कर लेना और फिर आप लोग ये देखें इसका टेस्ट कितना अच्छा, अलग से यूनिक है। ये किसी भी पार्टी में आप लोग बना सकते हैं, कोई ईद के मौके पे, कभी भी आप लोग बना सकते हैं इसको। ये देखिए, ये सारी मैंने डिश आउट कर ली हैं। ये कितना अच्छा इनका कलर है और ये कितनी अच्छी लग रही हैं। ये फिश की शेप भी लग रही है इसकी, ये बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं। ये मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये देखें आप लोग कितनी अच्छी अंदर से जूसी, टेंडर और सही बनी है। ये आप लोग देख लें इस तरह से। तो ये थी आज की हमारी चिकन स्ट्रिप्स की रेसिपी। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ फीडबैक किया करें और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। अब मिलते हैं हम अपनी अगली रेसिपी के साथ। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान, अल्लाह हाफ़िज़।